15 साल में रह रहा हूँ। सभी लोग 15 साल पुराने यहाँ पे झुक गए। हमारा नाम है कोहिनूर बीबी। अच्छा कोहिनूर बीबी। अच्छा तो आपका कितना नुकसान हुआ इस घर में? देखो बहुत सारा नुकसान है। देखो नुकसान हुआ 70-80 हजार का नुकसान हो गया। 70-80 हजार का नुकसान हो गया। घर में जितनी भी चीजें थी सब जल गई। सब जल गया। आप यहाँ पे परिवार समेत रहते हैं? परिवार समेत रहते हैं। अचानक वहाँ से आग लगी है कोने में से। झुग्गी में कोई था भी नहीं। अच्छा। और उस झुग्गी में लाइट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि लाइट वहाँ पर था ही नहीं, वो वैसे ही था। अच्छा। तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था मगर नहीं, कोई जानबूझ के लगाया गया। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में और जहांगीरपुरी का ये के ब्लॉक है जहां पर ये झुग्गी बस्तियां थी। आज सुबह यहां पर अचानक से आग लग जाती है। आग लगने के कारण अभी पता नहीं लग पाए हैं लेकिन यहाँ पर आग लग जाती है और लगभग 85 झुग्गियाँ यहाँ पर बताया जा रहा है जो जल करके पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इसमें बड़ी बात यह रही कि किसी की इसमें मौत नहीं हुई है और सभी लोग सुरक्षित तरीके से बच गए हैं, बच करके भाग निकले, अपने आप को बचाने में सकुशल कामयाब रहे। लेकिन उनकी जो झुग्गियां थी जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, पूरी खाक हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये पूरा नज़ारा है। यहाँ पर जो झुग्गियों में रहने वाले लोग थे अपने सामान को किस तरह से, जो बचे खुचे सामान को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए पूरा क्या मामला था, किस तरह से ये आग लगी, कितनी झुग्गियाँ थी, कितना नुकसान हुआ है, यहाँ के लोगों से जानने की समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी भैया, आपकी झुग्गी भी यहीं पर थी है? तो आप यहीं रहते हैं, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? थोड़ा इधर देखिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये मामला हुआ, कैसे आग लगी, कुछ बता पाएंगे आप? 15 साल से रह रहे हैं। 15 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं। तो ये आग लगने का कारण कुछ पता चल पाया आपको? अचानक वहाँ से आग लगी है कोने में से। झुग्गी में कोई था भी नहीं। अच्छा। और उस झुग्गी में लाइट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि लाइट वहाँ पर था ही नहीं, वो वैसे ही था। अच्छा। तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था मगर नहीं, कोई जानबूझ के लगाया गया। अच्छा, आपका ये मानना है कि जानबूझ के लगाया? तो कुछ मालूम कि किसने लगाया होगा, कैसे क्या? अब देखो शक के ऊपर, किसी के ऊपर भी शक कर सकते हैं मगर शक किसके ऊपर करें? तो हमारा तो नुकसान हो ही गया। बिल्कुल सही बात है। कितने 85 झुग्गियाँ बता रहे हैं यहाँ पे थी? हाँ जी। तो सभी जल करके पूरी तरह से खाक हो चुकी है। तो ये जो कॉलोनी है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, वो मतलब कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं? सब कूड़े बिनने का ही काम करते हैं, कूड़ा बिन के अपना संसार चलाते हैं। तो गरीब गांव में तो इतना चलते नहीं है, इसलिए यहाँ पर आके अपना परिवार पालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस वजह से यहाँ पर आके अपना काम धाम करते हैं। सब वेस्ट बंगाल के हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के सब लोग यहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल के। आपका शुभ नाम क्या है? शेख कुतुबुद्दीन। 15 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं। तो आपका कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? हमारा नुकसान तो बहुत हो गया क्योंकि लड़की को शादी करवाने के लिए उनके गहने वहने खरीद कर रखे थे जो इस बार गांव में जाकर शादी करवाएंगे। अच्छा। तो सारा जल गया, मिल भी नहीं रहे। अच्छा, गहने जल गए हैं, वो मिल नहीं रहे। कितनी कीमत के गहने रहे होंगे? गहने खरीदे थे 1,84,000 के। अच्छा, तो प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ बताया उन्होंने, क्या कह रहे हैं? अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस चुपचाप ऐसे आपकी तरह। और एक मीडिया वाला आए थे, उन्होंने पूछा, पूछने के बाद उन्होंने निकल गया, चला गया पूछ के। हम उनको भी यही सवाल है क्योंकि जो हमारा साथ हुआ वही तो बोलेंगे, झूठ बोल के कुछ मिलेगा तो नहीं ना। बिल्कुल सही बात है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश कर, धन्यवाद। और नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत हमें खेद है कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और इतना कुछ तबाह हो गया आज दिल्ली में। तो आपका शुभ नाम बताएं, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पर रह रहे हैं 25 साल से। तो आपकी झुग्गी यहाँ पे जली है? हाँ, जली। परिवार समेत रहते हैं? परिवार समेत रहते हैं। तो आप सब लोगों के यहाँ पे आधार कार्ड और ये वोटर आई कार्ड बने हुए? वोटर कार्ड मतलब कई कई बंदे का बना हुआ, जिसका अपना जमीन है उसका बना हुआ, नहीं तो बंगाल का बना हुआ, दिल्ली का आधार कार्ड बना हुआ, पैन कार्ड बना हुआ, बैंक का खाता बना हुआ, बच्चे लोग स्कूल जा रहे तो खाता मतलब बना हुआ। अच्छा अच्छा, बच्चे सब स्कूल यहीं पढ़ते हैं और सबके मतलब आईडी वगैरह है? हाँ यही है। और आपको कुछ मालूम है कि यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया? प्रशासन की तरफ से कौन आया था? ये जो केजरीवाल नहीं है, जो झाड़ू वाले का, हाँ जी, MCD का, वो आया था एक बार, आके देख के चला गया, बोला कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, अपना आराम से रहो, कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, मेरे किसी का नुकसान नहीं हुआ, सब अपना जान बचा के भाग गया। सामान 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 तो एक भी निकाल नहीं पाया, अब इतने साल से पड़ा हुआ यहाँ पर दिल्ली में, कबाड़ा बीन के खाते अपने पेट के लिए, बंगाल से दिल्ली में आया किस लिए? बिल्कुल। कुछ कमाने के लिए आया ना, यहाँ पर सब बर्बाद हो गया।
ये कम से कम ये हमारा जो ये सुधरने जो करने के लिए ना कम से कम 10 साल पीछे चला गया। सही बात है, बिल्कुल। जो हमारा 10 साल पीछे चला गया, हम जो बनाएगा ना ये चीज को बनाऊंगा ना, एक एक चीज को जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, हम कहाँ से जोड़ूंगा ये पता नहीं है। हम भी देखो शाम होने वाला, हमें देखो रोटी के लिए नसीब नहीं होगा, कोई छप्पर के लिए नसीब नहीं है। जो कपड़ा पहन के निकल गया वही कपड़ा पहन के निकल गया, बाल बच्चे को निकल गया। अभी दो बच्चे खो गया था, दोनों भाई जुड़वा था, खो गया था, हमने सब रोज का रोने घर में सब रोने लग गया था, फिर दोबारा मिला कहीं बाहर जाके, ठीक है ना। बच्चे चला गया था बाहर, चला गया, मिल गया था, ठीक है ना। ऐसा हादसा हुआ, ये हादसा ऐसे हुआ। सरकार से हम मांग करने चाहते जो हमारा कुछ मांग पूरी करे, हमको कुछ मदद कर जाए। और कोई आता नहीं है यहाँ पर, देखो जो बात है यहाँ पर कोई नहीं आता भाई। सोच लो हमारा, देखो बांग्लादेशी है, अरे जब तुम्हें कलकत्ता पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें ऐसे बोल दे तो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। ये सब इनकी नोटिंग की, हम इस चीज़ को नहीं मानता। अरे कोई बात नहीं, हमारे नुकसान होगा, ऊपर वाला देगा तो हम 10 साल पीछे होगा, ऊपर वाले के दोस्त हम और कर लेंगे, बना लेंगे, क्या दिक्कत। कौन लोग बांग्लादेशी बताते हैं आपको? सर यहाँ का जो नुकाल लोग है, जो हम इधर उधर काम करने जाते हैं, सारे लोग कहते हैं ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। अरे जब तुम्हें कलकत्ता कहाँ है, मिदनापुर कहाँ है, खड़गपुर कहाँ है, जब तुम्हें पता ही नहीं है, खाली पीली कहते हो कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। नहीं, बांग्लादेशी अगर आप हैं भी, मान लिया भी जाए, तो आप इतने पिछले 15 वर्षों से ये कॉलोनी है, यहाँ के रेजिडेंशियल हो गए हैं, यहाँ का वोटर आई कार्ड है, आप पे आधार कार्ड है ना, तो इनका तो सब कुछ। आप यहीं रहते हैं? जी नहीं। तो कहाँ रहते हैं आप? वलसवा डेयरी 101 में रहता हूँ। तो यहाँ आने का कारण? यहाँ पर आने का हेल्प करना, इन लोगों का साथ में खड़ा रहना ही, और जितनी मदद हो सके इंशाल्लाह करने की जरूरत है। और जैसे मान के चलो इन लोगों का जैसे जल गया, तो प्रशासन की तरफ से हम एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इन लोगों को जितने जल्द जितना हो सके हेल्प करें और इनके साथ में खड़े रहे। ये ना हो इनके साथ, देखो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में जैसे मान के चलो इन लोग इतना सफाई करते हैं, कूड़ा उठा के लाते हैं, चुक चुक के अलग से रिसाइकल भी करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं दिल्ली के। दिल्ली को सफाई करने का ज़्यादातर योगदान देखा जाए तो इन लोगों का है, तो इन लोगों का सपोर्ट में होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के खिलाफ होना सबसे गलत बात है। और इन लोगों सपोर्ट में सरकार आए तो अच्छी बात है। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया। मैं अभी तक जब से आग लगा है ना, सरकार के टाइम उसी टाइम होगा जब इलेक्शन का टाइम होगा तभी आएगा सरकार, नहीं तो उससे पहले कोई सरकार नहीं आएगा। सरकार आएगा सिर्फ वीडियो बना के चले आते हैं, जैसे फिल्म हो रहा है। आपका शुभ नाम, परिचय? शाहनवाज खान, जहांगीरपुरी सी ब्लॉक से। अच्छा, सी ब्लॉक से आप भी यहाँ पर आए हैं हेल्प करने के लिए? हेल्प करने के लिए, हाँ जी। तो किस तरह की हेल्प आप इन लोगों को कर रहे हैं? यही जो खाना पीना कपड़े फपड़े जो भी हो हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से हो रहे हैं। आपकी संस्था है, क्या नाम है संस्था? ऑल इंडिया माइंड एसोसिएशन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसके लिए हम हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बधाई, और इसी तरह आप काम करें लोगों की भलाई के लिए, यही करते हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये निवेदन है कि हमारी दिल्ली में, भारत में, दुनिया में बहुत लोग हैं जो किसी की मदद करना चाहते हैं, और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, 85 लोगों के परिवार यहाँ पर एक तरह से तबाह हो चुके हैं। कोई 70 कह रहा है, कोई 85 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, मतलब 70 के लगभग जो है यहाँ पर परिवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं। अब उनको पता नहीं कितने वर्ष फिर से अपने घर को वो सामान जुटाने में लगेंगे, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। किस तरह से वो जुटा पाएंगे इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तो जो भी सामाजिक संगठन है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से, कि इन लोगों के यहाँ पर आए। कौन सी जगह ये? जहांगीरपुरी के ब्लॉक है, भलसवा डेयरी के आसपास ये एरिया है। और आज का ये बहुत बड़ा हादसा है, पूरी दिल्ली का बहुत बड़ा हादसा है ये। तो यहाँ पर आकर के इन लोगों की जितनी आप मदद कर पाए, आपके हम इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पर आकर के इन लोगों की मदद करें, ताकि इनकी ज़िंदगी को उभरने में कुछ सहायता, कुछ मदद मिल सके। आज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या बताएं, नुकसान हो गया, क्या बताएं? कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान हुआ 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया। 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया। घर में जितनी भी चीज़ें थी सब जल गई? सब जल गया। आप यहाँ पे परिवार समेत रहते हैं? परिवार समेत रहते हैं। तो जिस समय आग लगी आप झोपड़ी में थे उस समय? उस समय हम बाहर थे। बाहर थे? बाहर कहाँ पर थे उस समय? मतलब बाजार करने गया था। अच्छा, यहाँ थे ही नहीं? फैमिली था। अच्छा अच्छा, वो इस समय मौके पे अंदर झोपड़ी में थे। हाँ। तो किस तरह से अपने आप को बचा पाए वो? वो अपने आप को आग देख के बच्चों को लेकर भाग गया सीधा, बस बाहर चला गया। मतलब झोपड़ी जलने से पहले दूर से देख लिया? हाँ, था कि आग लग गई है, तो अपने घर को छोड़ करके वो भाग गए। अच्छा, रहेगा तो अपना भी दिक्कत है। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा 6-7 आदमी। और कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हम कम से कम 6-8 साल यहाँ रह रहे, बाकी तो वहाँ कहीं थे 20 साल।
20 सालों से दिल्ली में, 6-8 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो जो प्रशासन से आप ये जो नुकसान हुआ है, क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार है हमारी दिल्ली की, उससे क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार से यही बोलूँगा, जो देगा वही उसी में खुश है बस, और ज़्यादा नहीं मांगेंगे हम। जितना नुकसान है वो तो पूरा भर नहीं पाएगा, बाकी जितना देगा उसी में बस खुश है बस, और कुछ नहीं। तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा से अपने आप को स्टैंड करना। वो तो मुश्किल तो होगा ही, धीरे धीरे तो करना पड़ेगा। तो प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, किसी ने आश्वासन दिया कि आपको हम मदद करेंगे? बोला तो था, पता नहीं। कौन लोग आए थे वहाँ उस पार्क के साइड आया था? आपको पता है कुछ कौन थे, क्या थे? मैंने देखा नहीं उनको। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार बहन जी, ये आपके साथ जो हादसा हुआ है बड़ा दुखद है, हमें उसका खेद है। तो जो आपके साथ हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, पूरा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जो हुआ है वो बताइए, क्या हुआ, किस बात के लिए जला है? पता नहीं, अपना जल गया कह रहा, किसी ने दुश्मन लगा हुआ था, इसी वजह से लगभग सब तो कम पे चला गया था ना। आज संडे इसीलिए घर में, आज सारा घर में थी ना, कोई नहीं रह रहा था। नहीं तो और किसी दिन है तो रहना, तो सब जल जाता है, बच्चे का तो कोई नहीं बच सकता है। क्या करूँ आजकल बताओ, कोई सरकार में कोई मौका है दो कुछ गरीब दुखी को। आपका क्या नाम है, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 15 साल में रह रहा हूँ। सभी लोग 15 साल पुराने यहाँ पे? हमारा नाम है कोहिनूर बीबी। अच्छा, कोहिनूर बीबी। अच्छा, तो आपका कितना नुकसान हुआ इस घर में? देखो बहुत सारा नुकसान है, देखो 5-6 लाख रुपए नुकसान हो गया, 5-6 लाख रुपए खर्चा हो गया, जल गया। क्या करूँ, ठेला मेला सारे जल गया। अच्छा, क्या करूँ बताओ, 3 ठेला था वो भी, सरकारी में कोई मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को ध्यान देना चाहिए, इतना बड़ा हादसा हुआ, आपका पूरा जीवन ही सब अस्त व्यस्त हो गया है। अच्छा, 3 ठेले थे वो भी सब जल गए, सबका जल गया, कपड़ा वपड़ा जैसे पहन रखे ना ऐसे निकल रहा है, छोड़ के आ सारे मोबाइल वोबाइल जो थी वो भी जल गया। जिस समय आग लगी आप अपनी झोपड़ी में झुग्गी में थे उस समय? क्या नहीं, ये बात थी, नहाने गई थी ना। अच्छा, दिखाई दे रहा है आग लग गया, उधर से कोई दुश्मन थी हमारा लगा दिया, पता नहीं कौन दुश्मन थी। अच्छा अच्छा, पीछे से लगा हुआ था ना, तो अंदर घुसने जा रहा बहुत वो लग रही है ना, इसी वजह से नहीं घुस पा रहा है, मैं बर्मा से था। अच्छा, जब आग लगी मतलब आप उस समय यहाँ पे थे, बाहर नहाने गए हुए थे? तो कितने समय, क्या समय हो रहा था उस समय? एक चिकन नहीं लगी, पूरा घर पूरा जल गया। जितना तुम लोग जल तो गया, कितने बजे का टाइम था उस समय? 10:30 बजे सुबह, 10:30 बजे की घटना है। अच्छा, और जब ये आग लगी तो उसके बाद जो प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, जल जलने के बाद आई है? 10:30 बजे 10 बजे की घटना है, और कितने घंटे बाद गाड़ियाँ आई जो आग बुझाने? 4 घंटे बाद आई है, सारा जल गया, इसलिए आई है बस, बंद करने के लिए आई है, जैसे धुएं हो रहा ना, धुएं के बंद करने के आई है बस। अच्छा, अब उल्टा बोलने जा रहे पुलिस वाला, उल्टा हमको बोल रहा चुप हो जा, आने नहीं दे रहे हम लोग को। अच्छा, आप लोग पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गए? नहीं, यही नहीं है, आया था ना, बहुत सारा पुलिस आई थी ना। अच्छा, तो बोलने जा रहा वो बोला चुप हो जा ऐसे कह रहे हम लोग को। अच्छा, आपकी अपनी बात बोलने नहीं दे रही? क्या चुप हो जा, हमारा लेडीज औरत को कोई देख नहीं पा रहा ना, भगा रही है सबको, हम लोग को बात नहीं करने दे रही है, मैं कह रही हम बात करूंगी ना, उन लोग को बोला नहीं तुम लोग जाओ जाओ ऐसे भगा रही है। अच्छा अच्छा, क्या करूँ बताओ, कोई सरकारी में कोई मुसीबत दिलवा दो हम लोग को, कोई क्या, कहाँ पे रहूंगी, इतना आदमी रहेगा पता हो, कहाँ पे जाऊंगी, कहाँ पे झुकी रखे रहूंगी, इतना आदमी कहाँ पे, सब तो जल गया, क्या करोगे बताओ। हाँ सही बात है, अब ये जैसे आपका परिवार एक तरह से उजड़ ही गया पूरा, जो कुछ था जमा पूंजी है ना। हाँ, आपने बताया 5-7 लाख का, जो सोने वाला जो गहना थी वो भी जल गया, क्या करूँ बताओ, मजबूरी में क्या कर दूँ, पैसा भी था वो भी जल गया। कितना गहना सोना पैसा, काने की बाल की सब थी, काने की बाल की बाली की ओर से तो आ गया, हाथ के ना अंगूठी लेके आया था, सब चीज है घर के। अच्छा, वही मतलब तांबा पीतल जितना तक हमारा बिंदा ना सारा जल गया, बहुत सारा पीते कुछ नहीं है, सारा कैला हो चुका है, क्या करूँ बताओ। चलिए, हमारे साथ ही योगेश कुमार हैं, लगभग 21 वर्षीय ये युवक हैं, और मौके पर जिस समय यहाँ पर आग लगी थी उस समय यहाँ मौजूद थे, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। उस समय की क्या हालत थी, क्या स्थिति थी, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत तेज आग लग रही थी, यहाँ पर भीड़ भाड़ इतनी थी, यहाँ पर पब्लिक भड़क गई थी, सारी भाग रही थी, और यहाँ सिलेंडर भी थे, इतने सारे ब्लास्ट हुए हैं पूछो मत, हद से ज्यादा, लगभग हर घर में ही सिलेंडर होता है, सभी सिलेंडर फटे। हाँ सब, और सारे ना घबरा गए थे, ऐसे ये झुग्गी वाले सारे घबरा गए थे, नालियों का पानी डाल रहे थे आगों पे, पानी भी नहीं आ रहा था, यहाँ गाड़ियां भी इतनी जल्दी सर्विस नहीं दे रहे थे, पुलिस वाले आ रहे भगा रहे हैं सबको, पानी भी नहीं डालने दे रहे, आग पकड़ ली थी इतनी तेज, कोई भी नहीं कर रहा था।
तो जो आसपास के लोग थे वो डर के भाग रहे थे, मदद के लिए भी आ गए? मदद भी कर रहे थे, झुग्गी वाले सारे थे बगल में। अच्छा। सब नालियों का पानी, जैसे जिसको जहाँ पे पानी मिला वो जैसे वैसे ही फेंक रहे थे पानिया। अपना भरसक प्रयास उन्होंने करा जितना संभव था। चलिए ठीक है। तो आपने ये पूरा मामला आज जो दिल्ली का सबसे बड़ा हादसा था और बिल्कुल मतलब जिंदगियां यहाँ पर 70 से 75 घरों की जो एक तरह से ख़त्म हो गई, किस किस तरह से उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने संसाधन जुटाए होंगे, वो सब जल करके खाक हो चुके हैं यहाँ पर। आप चारों तरफ जहाँ तक भी कैमरे की निगाह जा रही है, बहुत छोटी सी कॉलोनी थी, 15 वर्ष पुरानी ये कॉलोनी थी, पूरी तरह से जल करके खाक हो गई है। परिवार के लोग आग बुझने के बाद यहाँ पर अपनी अपनी झुग्गियों में जले हुए उस राख में से अपने कुछ सामान को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से आगे की उनकी ज़िंदगी होगी, किस तरह से उनका गुजर बसर होगा, ये तो आने वाला वक्त उनके लिए कड़ी चुनौती देगा उन्हें। और आप इस खबर को देख करके आपका मन क्या कहता है, आपके क्या हैं सुझाव, क्या है विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और बार बार यही निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करें और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो गरीबों के लिए और असहाय लोगों के लिए मदद करती हैं वो यहां पर पहुंचे, इन लोगों की मदद करें जितनी भी आपसे मदद संभव हो। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।